हाई welcome वन वेलकम वेलकम बैक टू माई न्यू हॉल वीडियो आई होप यूल सेफ एंड वेल सो गई आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर कुर्ता सेट हॉल का वीडियो अभी और समर से इतनी जोरों से स्टार्ट हो चुके है ना कि मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे थे ना कि प्लीज दी समर के लिए ड्रेसेस का वीडियो लाओ हॉल वीडियोज अपलोड करो समर कुर्ता सेट लाओ सो मैंने कहा ठीक है आ, लाएंगे भाई धीरे धीरे शेयर करेंगे सो so, आज मैं आपके साथ समर स्पेशल कुर्ता सेट का वीडियो शेयर करने वाली हूँ आज के हॉल वीडियो में मैं आपको जितने भी कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ

Without any further ado, let's jump into the video. स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस प्यारे से कुर्ता सेट के साथ ये लाइम ग्रीन कलर में मिल जाता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर देखो यार कितना ही प्यारा कितना ही समर अप्रोप्रिएट इसका कलर है ना इसके कलर की वजह से मैंने इसको परचेज किया था uh, स्लीव जो है इसकी आपको थ्री फोर्थ मिलती है कॉटन मटेरियल है प्योर कॉटन और काफी अच्छा लग रहा है भाई प्रिंट्स आप देख सकते हैं ऑल ओवर फ्रंट में कुर्ती में आपको मिल जाएंगे इस तरीके से बड़े बड़े बूटिया जब इसका बैक साइड आप देखते हैं तो बैक साइड में भी सेम बड़े बड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी तो कलर कॉम जिस काई और जो लाइम ग्रीन है इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है और पास से आप देखेंगे ना तो इस पे छोटे-छोटे से ना चेक्स भी बने हुए हैं इफ यू कैन सी ये है इसका बॉटम वेअर फ्रंट साइड में आपको बेल्टेड मिल जाता है और बैक से आपको इलास्टिकेटेड इसकी वेस्ट मिलती है दोनों साइड में इसमें पॉकेट दी हुई है गाइस वो भी काफी बड़े साइज की सी बहुत बड़े साइज की पॉकेट्स हैं तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है इसके साथ एक दुपट्टा भी आता है इस ये मिल जाता है आपको इसका दुपट्टा थ्री पीस ये कंप्लीट सूट सेट मिलता है दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पे इस टाइप से ब्रॉकेट डिजाइन दी गई है जो कि इसके बॉटम वेयर के साथ मैच हो रही है क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी ओवरऑल फिटिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा प्यारी है अगर आप ऑफिस कॉलेज हुई गर्ल्स है ना तो डेफिनेटली आप इसको अपने कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं प्योर कॉटन मटेरियल के अंदर है और हाईली हाईली रिकमेंडेड है मेरी साइट से नेक्स्ट जो कुर्ता है ये है ब्लू कलर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका नेक देख सकते हैं काफी डिफरेंट डिजाइन में नेक है और यहाँ पे गोटा पट्टे की भी थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है कॉटन मटेरियल है इसका काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इस टाइप से इसकी कुछ कुर्ती मिल जाती है शॉर्ट में है ये कुर्ती बेसिकली क्योंकि इसके नीचे का जो बॉटम वेयर है ना वो थोड़ा डिफरेंट यूनिक स्टाइल में है वो मैं आपको दिखाऊंगी साइड में दिया गया है इसमें स्लेट जो कि अपर स्लेट आपको मिल जाता है थोड़ा हाई वेस्ट से थोड़ा हाई आता है ना वो वाला स्लेट और यहाँ पे डोरिया भी है

ये देख सकते हैं इसका फ्लेयर और यहाँ पे अलग अलग लेयर में ये स्कर्ट बनाई गई है आप ये पास से देख पाएंगे इसमें डिटेलिंग दी गई है रफल डिजाइन दी गई है बहुत ही सुंदर लग रही मुझे ये और इसका जो मटेरियल है ना वो है प्योर कॉटन तो ये बहुत ज़्यादा समर वाइब देने वाली है अगर आपको लाइक घर में पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल चाहिए या फिर आप इसको बाहर भी पहन सकते हो क्योंकि सच में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं और गाइस हो सकता है कि ये आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखे क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मुझे भी तीन बार वेट करना पड़ा इसके स्टॉक में वापस आने का तब जाके मैं इसको ऑर्डर कर पाई हूँ तो आप इसको विशलिस्ट कर लेना और ट्राई करते रहना बाद में क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट ना स्टॉक से चले ही जाते हैं बहुत ही कम मिलते हैं अब देखिए थ्री पीस के साथ आता है तो ये है इसका दुपट्टा बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है और ये जो दुपट्टे के ऊपर जो ये डिज़ाइन दी गई है ना जो प्रिंट्स हैं ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्रिंट्स हैं इस तरीके के प्रिंट्स ना समर्स में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं सो यस आई लव इट मैं तो इसको हाईली हाईली आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप इस तरीके का कुछ भी सर्च कर रहे हैं ना तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप इसे परचेज कर सकते हैं एकदम लेस की डिटेलिंग दी है, जो किसके borders पे इसलिए मैंने इसको परचेस किया जो लौकी वाला कलर होता है ना सब्जी खाने वाली जो गिया वाली लौकी होती है एक्जेक्टली exactly वैसा ही इसका कलर है तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है इसका फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इस टाइप से कुछ चैक चैक डिज़ाइन में पैटर्न किया गया है जो कि इसके मटेरियल के अंदर नहीं है ये रबर प्रिंट है ऊपर से आप अंदर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये आप देख सकते हैं बट यस yes, काफी अच्छी क्वालिटी का किया गया है तो ये ईजिली नहीं निकलने वाला यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है गोटा पट्टी के साथ और इसकी थ्री फोर्थ स्लीव दी गई हैं फ्रंट में जिस टाइप से आपको ये ऑल ओवर चेक मिलते हैं बैक लुक देखें अगर इसका तो बैक में भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही पूरा दिया गया है आ जाते हैं इसके बॉटम वेयर के ऊपर गाइस जो बॉटम वेयर है वो एक प्लाजो दिया गया है ये आप देख सकते हैं और प्लाजो पे भी यानी कि इसके बॉटम वेयर पे भी कुछ तो डिज़ाइन बनाई गई है जो कि कुर्ती से थोड़ी सी यूनिक है डिफरेंट है मैच नहीं हो रही है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसका मटेरियल है गाइस कॉटन बहुत ही प्यारा मटेरियल है और ये इसका फुल लुक आप ट्राई ऑन में साइड में देख पाएंगे थ्री पीस कुर्ती आपको मिल जाती है तो इसके साथ एक दुपट्टा भी आता है दुपट्टा है इसका शिफोन के अंदर बड़ा ही सॉफ्ट रहता है मुझे पर्सनली शिफोन बहुत प्यारा लगता है समर्स में तो इतना ठंडा रहता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं और दुपट्टे की ना गाइस चारों कॉर्नर्स में ये कुछ इस टाइप से ब्रॉकेट लगाई गई है ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से और दुपट्टे की लेंथ तो बहुत ज़्यादा ही सही है सो so, इसकी तरफ भी आप आंख बंद करके जा सकते हैं मैं जो जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ आपको बताती जा रही हूँ बट ये आपको देखना है आपको क्या परचेज़ करना है नहीं करना है कौन सा आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा और इजिली एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी है तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता है सो नेक्स्ट अगेन मैं थ्री पीस सूट सेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेम ब्रांड से है लिबास ब्रांड के यहाँ पे मैं आपको सारे ही कुर्ता सेट दिखा रही हूँ अच्छा इसका कलर देखिए आप आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए मुझे पर्सनली ये कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आ, अगर आप अपनी मम्मा को चाहो तो उनको गिफ्ट कर सकते हो लाइक हमारी एज वाला ये कलर नहीं है मुझे पर्सनली मेरा पर्सनल थॉट ये है बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं ये देखिए स्ट्रेट फिट में कुर्ती मिलती है इसका फ्रंट आप देख सकते हैं नेक लाइन कुछ इस टाइप से है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो थ्री फोर से काफ़ी ज़्यादा है डिटेलिंग भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दी गई है और फ्रंट में इसमें जिस टाइप से ये रबर प्रिंट किया गया है एज इट इज़ बैक साइड में जब हम देखते हैं तो बैक साइड में भी यहाँ पे रबर प्रिंट मिल जाता है मुझे ये प्रिंट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा आप बताइए आपके क्या थाट हैं इसके ऊपर मेरे को ओके ओके लगा ये वाला मटेरियल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बट प्रिंट्स मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं आए हैं साथ में एक और चीज़ इसमें डिटेलिंग दी गई है जब इसके स्लेट है ना जो नीचे की साइड उसमें यहाँ पे गोटा पट्टी का थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड की गई है जो कि इसको थोड़ा सा अलग बना रही है अब इसके बॉटम वेयर को मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से इसका जो है बेल्टेड मिलता है बैक साइड से इसका इलास्टिकेटेड मिलता है मोस्टली आजकल ऐसे ही आते हैं स्पेशली uh, लिबास के अंदर मैं बात कर रही हूँ दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाते हैं वो भी काफी बड़ी साइज की और इसकी बॉटम वेयर पे भी छोटी छोटी वही बूटियां बनाई गई हैं जो कि इसकी कुर्ती के ऊपर मिलती हैं ठीक है और प्लाजो मिल जाता है काफी चौड़ा प्लाजो है तो आप चाहो तो गिफ्टिंग ऑप्शन से भी इसको चुन सकते हैं काफी प्यारा लगेगा ये अब भाई इसका दुपट्टा जो है वो है अगेन शिफोन के अंदर गाइस शिफॉन के अंदर ही आजकल दुपट्टे काफ़ी चल रहे हैं और इस पे भी चारों कॉर्नर्स पे वही डिटेलिंग दी गई है जो कि इसके कुर्ती के साथ मैच हो रही है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कपड़ा बहुत प्यारा है मटेरियल समर के अकॉर्डिंग आप इसको पहन सकते हैं रोजाना में ऑफिस कॉलेज के लिए कहीं भी आप इसको पहन सकते हैं इवन तो थो आप थोड़ा मार्केट वगैरह भी जाते हो ना तब भी आप इसको पहन सकते हैं बाकी प्रिंट्स मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे इसके सो so नेक्स्ट जो है मैंने सोचा एक ब्लैक कलर में मंगाते हैं जो कि आ, कभी कभी आप डाल सकते हो ऑफिस कॉलेज में भी और वैसे भी आप किसी ओकेज़न पर पहन सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा पार्टी वेयर साइड मुझे लगा देखने के बाद इसका नेक जो है वो कॉलर नेकलाइन मिल जाता है और साथ में बहुत ही प्यारी से डिटेलिंग दी गई है ये आप पास से देख लीजिए बहुत ही सुंदर से डिटेलिंग दी गई है गोल्डन धागे से ये देख सकते हैं स्लीव है इसके थ्री फोर्थ और इसका जो मटेरियल है गाइस वो रेयन मिल जाता है स्ट्रेट फिट की कुर्ती है और कुछ इस टाइप से कुर्ती का लुक आएगा आप साइड में वैसे ट्रे ऑन भी देख सकते हैं इसके साथ आ जाता है ब्लैक कलर का एक बॉटम वेयर जो कि पैंट कम प्लाजो मिलता है ये देखिए कितना ज़्यादा वाइड है इसका लेग आप समझ सकते हैं इसी से और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और रेन मटीरियल है स्टिचिंग एकदम ही परफेक्टली की गई है और दोनों साइड इसमें पॉकेट दी गई है जो कि लिबास की मुझे बेस्ट बात लगती है इसके साथ ना एक कंट्रास्ट में दुपट्टा भी आपको मिलता है जो कि है मरून काइंड ऑफ मरून थोड़ा सा डिफरेंट ही कलर है इस शेड में मिल जाता है बनारसी लुक में ये दुपट्टा है ये देख सकते हैं आप बनारसी नहीं है मटेरियल लेकिन लुक जो है वो बनारस दिया गया है और इसकी जो लेंथ है वो तो प्रॉपर है ये आप देख पाएंगे लेंथ तो प्रॉपर से भी ज्यादा ही लेंथी है और तो थोड़ी सी इसकी कम है बट इट्स ओके क्योंकि ये साइड में ही लिया जाता है इस तरीके की दुपट्टे की फुल लेंथ ना भी होना वाइड तो चल जाता है अब इसके बाद में आपको जो भी कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ वो गाइस हद से ज्यादा अफोर्डेबल uh, होने वाले हैं सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड फाइव हंड्रेड इस रेंज में होंगे चार कुर्ता सेट तो चलिए स्टार्ट कर दें तो हो भी सकता है गाइज ये वाले कुर्ता सेट आपको आउट ऑफ स्टॉक मिले तो एक बार आप लिंक पे चेक कर लेना और मैं क्या करूँगी सिमिलर प्रोडक्ट टैक कर दूंगी अगर आउट ऑफ स्टॉक मुझे मिलता है क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे कुर्ता सेट के कलेक्शन है मेरे पास बट सब तो मैं ऑर्डर नहीं कर सकती ना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बढ़ना यू नो इतना तो मुझे बजट का भी ख्याल रखना पड़ेगा बट आप चेक कर लेना क्योंकि मैं सिमिलर प्रोडक्ट आप लोगों के लिए टैग कर दूंगी ठीक है तो ये वाला जो कुर्ता है ये मिलता है शायद 500 की रेंज में और ये कॉटन फैब्रिक के अंदर मिलता है काफ़ी ट्रेंडी लगा मुझे ये समर अप्रोप्रिएट ये देखिए इसके जो है फ्रंट से स्ट्रैप वाला यहाँ से लुक मिलता है शोल्डर से स्ट्रैप मिलते हैं और साथ में ना एडजस्टेबल भी हैं जो कि आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं ये है इसका लुक वैसे मैं इसका ट्रायल शेयर करूंगी उसमें आप देख लेना बट इसका लुक ना बहुत ज्यादा क्यूट सा है ये आप देखेंगे यहाँ पे ना क्यूट से पॉकेट बने हुए हैं जो कि रियल में पॉकेट है यार ऐसा नहीं है शो बीज है आप इसमें रख सकते हैं और ये जो कुर्ता है ये ए लाइन पैटर्न के साथ मिल जाता है साइड में ना स्लिट भी दिया गया है तो इसका लुक ना मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है और फ्रंट में जो इस तरीके के बटनस यहाँ पे दिए गए हैं ना ये गई वुडन के बटन मिल जाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का कुर्ता है ओवरऑल इसका जो लुक है ना वो काफी यूनिक लग रहा है। अगर तो बेसिकली चलो इसका बॉटम वेयर देखते हैं इसका ये है बॉटम वेयर सॉरी थोड़ा सा आयन इसका खराब हो गया है वेस्ट इसका कुछ इस टाइप से है इलास्टिकेटेड और इसके बॉटम में आपको प्लाजो मिल जाता है जो कि स्ट्रेट फिट का प्लाजो है और इसके बॉटम वेयर पे आप देखेंगे ना छोटे छोटे से बूटी बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे से हैं तो इसके साथ जब इसको पेयर करेंगे ना तो बहुत ही प्यारा वाला कॉम्बिनेशन दोनों का बनने वाला है क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है गाइज अच्छा नेक्स्ट जो कुर्ता है ये है वाइट कलर में बहुत ही सुंदर लग रहा था आई थिंक ये सेवन की रेंज में है और एक्चुअल प्राइस में गाइज आपको दिखाती हूँ ये आप यहाँ पे इसका एक्चुअल प्राइस देखो आप रियल प्राइस क्या है और उसके बाद एक बार लिंक पे चेक करना सेवन हंड्रेड की रेंज में ये कुर्ता सेट मिल रहा है मतलब बहुत ज्यादा ही ऑफर चला हुआ है ये जो एम्ब्रॉयडरी की गई है ना गई ये बहुत ही ज्यादा ही क्यूट सी लग रही है और इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आने वाला है ए लाइन पैटर्न में ये कुर्ती मिल जाती है बेसिकली और यहाँ पे जो बटन्स हैं ये ओपनेबल नहीं है दिस इज़ ओनली फॉर शो ऑफ आप इनको ओपन नहीं कर पाएंगे फ्रंट लुक दिखा दिया मैंने आपको अब इसका बैक लुक देख सकते हैं बैक से एकदम ही प्लेन मिलता है और फ्रंट में केवल ये बटन्स मिलते हैं ठीक है ये हो गया इसका कुर्ती का लुक हमें एक प्लाजो दिया गया है ये देखिए कितना ज्यादा चौड़ा प्लाजो है आप इसका वाइडनेस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वाइड है और जो कुर्ती में यहाँ पे डिटेलिंग दी गई थी ना जो छोटे छोटे से क्यूट से फ्लावर्स बन रहे थे ना मतलब देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे तो पर्सनली भाई बहुत ज्यादा अच्छे लगे ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इसके साथ ये जो बॉटम वेयर आता है ना यहाँ पे सेम छोट छोटी छोटी सी बूटियां बनाई गई हैं बट हाईली हाईली रिकमेंड दिस वन गाइज अगर स्टॉक में अवेलेबल हो तो आप जरूर से परचेस करना आपको बहुत पसंद आने वाला है बाय द वे कोई दुपट्टा नहीं है क्योंकि इसका बजट जो था वो बहुत ही ज्यादा ही कम था ठीक है मेरे पास बहुत ही प्यारे से जामुनी कलर में कुर्ता सेट जो कि प्रिंट में है बंधेज नहीं बांधनी जो भी होता है वही प्रिंट में है और इसका कलर इतना ज़्यादा प्रिटी है ना अच्छा ये जो अभी कुर्ता सेट मैंने दिखाई ना कुछ आजकल ना बटन्स के फ्रंट बटन लुक वाले कुर्ता सेट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो इसलिए मैंने एक साथ तीन चार परचेज कर ली और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दस इसका नेक देख लो आप पहले कॉलर नेक के साथ मिलता है प्राइस में अगर आपको इसका दिखाऊं तो ट्वेंटी टू हंड्रेड इसका प्राइस है सारे कुर्ता लेकिन ये आपको सेल के दौरान अभी सेल चल रही है तो ये मिल जाएंगे आपको सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड में तो ये देखिए इसका कॉलर नेकलाइन है उसके बाद यहाँ पे कितने सारे बटन है मतलब पूरी कुर्ती में बटन से भरी हुई है फ्रंट में और बैक साइड का लुक आप इसका देख सकते हैं कुछ भी नहीं है जो बांधे प्रिंट दिया गया है बस वही है एज इट इज़ और इसका बॉटम वेयर ये मिल जाता है आपको प्लाजो के साथ ये देखिए काफी चौड़ा यहाँ पे प्लाजो दिया गया है ये है इसका बॉटम वेयर है एज पर प्राइस आप देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी वो लोग दे रहे हैं तो आप इसकी तरफ भी कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे ये कुर्ता सेट ना स्लीवलेस दिख रहा था मुझे इमेज में बट ये स्लीव वाला आया है तो अब आप देख लीजिएगा अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो इस पर इस पर करिएगा कि स्लीवलेस आप पहन पाते हैं या फिर नहीं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको स्लीव दिख रही है और स्लीव पे ना बड़ी क्यूट सी डिटेलिंग दी गई है ये देखिए भाई ये वाली डिटेलिंग है बटन लगाया गया है बहुत ही सुंदर सी कटआउट वाली डिटेलिंग दी गई है ये है इसका फ्रंट लुक कुर्ती का इसका जो कॉलर है वो वाला नेकलाइन यहाँ पे मिल जाता है और बैक लुक देखेंगे तो बैक में सो जो भी प्रिंट आगे दिया गया है वो सेम एज इट इज़ बैक में है स्ट्रेट फिट में ये वाली कुर्ती हमको मिल जाती है और बॉटम वेयर में यहाँ पे मिलती है आपको थोड़ी सी लूज़ वाली पैंट ये देखिए भाई ये है इसकी पैंट इसकी फिटिंग मुझे पता नहीं है अभी कैसी आने वाली है वो आप ट्राई ऑन में देख लेना मुझे फिटिंग थोड़ी सी अलग सी लग रही है लाइक like, ऐसी तो नहीं होती है पैंट की फ़िटिंग और वो आप ट्राई ऑन के बाद देख लेना इलास्टिकेटेड वेस्ट है कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं है क्योंकि ये प्राइस इसका जो है बहुत ज़्यादा कम है बट मैं लिबास की बात करूँ तो लिबास के अंदर आपको हर एक इनके कुर्ता सेट के अंदर पॉकेट लास्ट जो मेरे पास कुर्ता है कुर्ता सेट है पहले भी मैं इसको आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ आपको काफ़ी पसंद आया था ये है इसका कुर्ता ये देखिए, नेक देख लीजिए आप एक बार पास से और यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा सा वर्क किया गया है और ये धागे का वर्क है मशीन का धागे का वर्क है ये आप देख पाएंगे पास से बहुत ही नीटली किया गया है इसकी सिंपल सी थ्री फोर्थ सी इसकी स्लीव है और फ्रंट में तो ये वाला डिजाइन दिया गया है इसमें लेकिन इसका बैक देखा जाए ना तो बैक तो भाई बिल्कुल ही प्लेन है इसका बैक कुछ भी नहीं है बैग बिल्कुल प्लेन रख दिया जो कि मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और इसकी बॉटम वेयर में आपको मिलती है एक स्ट्रेट फिट में पैंट इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है बाकी आप ट्राइन से क्लियर कर लेना और भाई ये देखिए पैंट पे ना ऑल ओवर आपको दिख रहा होगा ये थोड़े थोड़े से क्रिस क्रॉस वाले कुछ डिजाइन बनाए गए हैं ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कम्पेयर ना ऐसे रखती हूँ तो मुझे हल्का सा ना माइनर से इसमें कलर डिफरेंस दिख रहा है इसके टॉप और बॉटम वेयर में तो वो आप देखिए था मेरा आज का हॉल वीडियो आपको कोई भी कुर्ता सेट परचेज करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा वहाँ पे आपको सारे लिंक्स अवेलेबल मिल जाएंगे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि लिबास के जो कुर्ता सेट है वो आप उनमें से ज़रूर एक परचेस करिएगा क्योंकि उनकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है मटीरियल क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच मिल आती है फिट वगैरह एकदम परफेक्ट है मतलब आपको उनसे कोई भी शिकायत नहीं हो सकती और बाकी ये जो अफोर्डेबल साइड में ज्यादा ही बिल्कुल अफोर्डेबल देखेंगे तो इनको भी आप परचेज कर सकते हैं एज पर प्राइस क्वालिटी काफी अच्छी है सो गो एंड बाय बाय टेक केयर